हैं इस वक्त की अहम खबर का। खबर है भोपाल से, एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। भोपाल के ऐशबाग और छिंदवाड़ा में एटीएस का एक्शन। भोपाल और छिंदवाड़ा से पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकी। तो HUT हिज्ब उत तहरीर संगठन पर यह एक्शन हुआ। तो HUT संगठन से जुड़े हुए थे सभी संदिग्ध आतंकी। पकड़े गए लोगों से संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। तो भोपाल के ऐशबाग और छिंदवाड़ा में एटीएस का एक्शन, एटीएस की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई ये सामने आई। तो भोपाल छिंदवाड़ा से 6 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो बड़ा एक्शन एटीएस का हुआ है। तो बड़ी खबर है भोपाल से और अहम खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई एटीएस की यहां पर सामने आई है। और शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शब्बीर, क्या जानकारी अभी मिल रही है? क्या अभी भी कोई एक्शन चल रहा है वहां पर या उनसे पूछताछ की जा रही है संदिग्धों से? तोष, पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। 10 टीमें बनाई गई थी एटीएस की तरफ से, और पूरे बात की जाए तो राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में ये कार्रवाई की गई है। जो अब तक जानकारी निकली है उसके अंदर भोपाल से 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से एक शख्स को छोड़ दिया गया है। इन पूरे जो 6 शख्स जो भोपाल से अभी एटीएस की गिरफ्त में, इनके नाम की बात करूं तो मैं, एक का नाम है शाहिद उर्फ सलमान, ये पेंटिंग का काम करता है। इसके अलावा शाहरुख है, ये बागफरत अब्जा में रहता है। इसके अलावा मोहम्मद वसीम है, ये जो है चिंगारी एक ट्रस्ट है जो गैस संगठन के लिए काम करता है, उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है एटीएस की तरफ से, वो जिम में की गई है। जिम में करीब 8 बजे के आसपास एटीएस के जवान वहां पर पहुंचे और उन्होंने 3 वहां पर शख्स को भी गिरफ्तार किया। इसमें एक यासिर है, जिम ट्रेनर है। इसके अलावा सामी है जो कोचिंग सेंटर पढ़ाता है और जिम में उस वक्त वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था। इसके अलावा तीसरे शख्स का नाम का खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि जिम संचालक का कहना है कि वो 2 दिन पहले ही आया था, वो हमारे वहां ट्रेनिंग ले रहा था। सवाल जिम ट्रेनर पर भी उठ रहा है। और इसके अलावा एटीएस ने वहां से तमाम CCTV फुटेज भी जब्त किए गए हैं, और अभी तक जो चीजें निकल कर सामने आ रही है अभितोष, ये काफी चिंता वाली बात है। क्योंकि चाहे इससे पहले हमने सूफा के आतंकियों को देखा था या फिर दूसरे आतंकी संगठनों को देखा था, वो राजधानी भोपाल से ही गिरफ्तार किए गए थे। अभी भी जो गिरफ्तारी की गई है ये विदेशी एक इस्लामिक संगठन है, उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हुटू हिजबुल उत तहरीर नाम बताया जा रहा है इसका अभितोष, जिस संगठन से जुड़े हुए थे, और बताया जा रहा है कि ये कई गतिविधियों में शामिल थे। इसके साथ साथ जानकारी ये भी दे दे, कई सामग्री भी इनके पास से जब्त की गई है और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। और इनसे चीजें अभी तक जो निकलकर अभितोष सामने आई है कि ये लंबे समय से इस संगठन से जुड़े हुए थे, और ये कट्टरपंथी जो है विचारधारा अलग अलग इलाकों में, खासकर युवाओं की बात की जाए तो उनको फैला रहे थे। और अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संगठन, ये हुटी बताया जा रहा है HUT, उस संगठन से ये जुड़े हुए थे, तो वो संगठन का कामकाज क्या है, किस तरीके से, अब ये तमाम चीजों की तफ्तीश के बाद निकल कर सामने आएगा। लेकिन कई तरीके के चीजों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वो इलाका कहा जाता है, शांति का प्रदेश कहा जाता है। जब बांग्लादेश के उग्रवादी संगठन पर कार्रवाई होती है तो मध्य प्रदेश से ही गिरफ्तारी होती है, सूफा पर कार्रवाई होती है तो रतलाम के वो निकलकर सामने आते, PFI पर जब प्रतिबंध लगाया जाता है तो मध्य प्रदेश से ही सबसे ज्यादा गिरफ्तारी। लगातार इस तरह के एक्शन और संदिग्ध यहां पर लोग मिल रहे हैं, इस तरह के एक्शन भी लगातार हो रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में भी एक्शन होंगे, पूछताछ भी हो रही है। शब्बीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं इधर।